फाइनली हमने त्रिपाल बांध के रेडी हो चुका हूँ और हमारा पेपर भी मिलके कंप्लीट हो गया। हमारा पेपर भी मिल गया तो हम गेट पे दिए हैं जमा कर। वहाँ तब तो चेकिंग होता है, तब तो पैर हाथ नया चंदन धोने के लिए हम तो धो लिए हैं। देखिए हमारा त्रिपाल बांध के पूरा रेडी हो गया, एक पॉइंट हमारा लोड हो गया। तभी जाते हैं वापस हम असलाली, वहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट जो है हमारा वहीं से होगा। तभी यहाँ से निकलते हैं। देखिए अहमदाबाद में अब रिंग रोड पकड़ने वाले हैं। रिंग रोड से पहले देखिए कितना भयानक है, रोड पे पानी आ गया है। इधर बारिश हुआ था, हमको पता ही नहीं था कि हम जिधर खड़ी थे उधर बारिश नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे एक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सुबह का अभी 11 बजा दोस्तों, और फाइनली हमारा जो कल का ब्लॉग में देखे थे हमारा कहीं का रूटीन नहीं मिला था। कल एक दूसरे का पार्टी से भी बात करने गए थे, वहाँ भी हमारा कुछ माल का पता नहीं चला। अभी ट्रांसपोर्ट वाला भी आया था, उनको भी मिलने गए थे। इतना जल्द दिन यहाँ पर रखे हम ऐसे भी बोर हो चुके हैं। हम अगर माल हो ना हो आप लोग बताइए, उसके बाद उठी जाने का वहाँ जाकर ट्रांसपोर्ट में बैठने का। हम सुबह सिर्फ गाड़ी में उतरे नहीं, थोड़ा सा उतरे थे सिर्फ फ्रेश होने के लिए, और गए थे पंप तरफ घूमने के लिए सब्जी उब्जी लाने के लिए। सिर्फ उतना ही नीचे उतरे थे, उसके बाद हम नहीं उतरे। अभी गाड़ी में ही बस मोबाइल छिड़के हैं, जो सीरियल था वही देख रहे थे। बाकी हमको ऐसे भी बोर लग रहे थे, ये सब हम चालू करके भी हम टाइम पास कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कि माल हमारा बन जाता है कि नहीं बन जाता है, क्योंकि हमको आपको बताया था कि लगभग आज कितना दिन हुआ, 6 दिन हो गया हमारा, छठा दिन हो गया हमारा गाड़ी खाली हुए। तो आज अगर फाइनली हमारा कोई माल हो जाए तो बहुत ही बेटर रहता है। सातवा दिन हो गया, शुक्रवार खाली कितना है, हमारा सातवा दिन हो गया खाली, जो गाड़ी हमारा सातवा दिन हो गया। देख लेते हैं आज तो हमारा फाइनली कहीं माल हो जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। सुबह सुबह इन लोग खाना भी बना के रेडी कर दिया है, और हम तो अभी गाड़ी में ही, अभी नहीं हम अभी यहाँ से आधा एक घंटे के बाद ही उतरेंगे। डायरेक्ट हम अगर कोई माल बन जाएगा तो फोन आएगा, तो डायरेक्ट हम गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरेंगे, हम सीधा गाड़ी लेकर सीधा आगे निकल जाएंगे उतरेंगे। पाँच अगर डीजल डालो, अभी हमारा देखिएगा डीजल डाल रहे थे, और हमारा शहर में थोड़ा खुशी है। इसका मतलब है कि हमारा एक पॉइंट का लोडिंग मिल गया। हमको एक हफ्ता रुकना पड़ गया, शुक्रवार को खाली कहता है, बृहस्पतिवार है, लगभग 7 दिन हो गया खाली हुए गाड़ी में, और हम माल ही नहीं मिलता। आज हमारा एक पॉइंट माल मिल गया है, कड़ी से हमारा जाएगा माल वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, तो वहाँ का हमारा माल हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं लोडिंग कर लिए, डीजल हम 5,000 का डीजल ले लिए यहाँ पे, अब यहाँ से निकल रहे हैं अभी यहाँ।
बजकर 2 बजे और सामने गोड़वान से पहुँच गया जहाँ पर हमारा लोड होगा पैंगलांट में। तो भी हम पहले एंट्री कराते हैं, उसके बाद हमारा गाड़ी अंदर लेगा। शाम का 5 बज गया, फाइनली हमारा गाड़ी कांटा उठा करके लोडिंग पर लग गया है। ये देखिए हमारा गाड़ी जो लोडिंग पर लग गया, ये मेरा सामने वाला गाड़ी मेरा रहा है, और जो साथ में गाड़ी जो खाली किया था वही गाड़ी ये भी है। ये क्या हुआ था, हमसे पहले भाग के पहले खाली किया था, लेकिन लोडिंग पॉइंट में हमारा सेम है, मतलब ये भी दूसरा ट्रांसपोर्ट से ही आया है। तो ये भी मतलब उतना दिन खड़ा था, एक सप्ताह ये भी खड़ा रहा, मतलब कि मार्केट में माल ही नहीं था, मेरे ट्रांसपोर्ट में माल नहीं आ रहा था ऐसा कोई बात नहीं है, पर मार्केट में माल नहीं था। देखिए दोनों का माल हुआ अलग अलग ट्रांसपोर्ट में, लेकिन एक ही दिन माल हुआ। दोनों गाड़ी का सेम देखिए लोड करके अभी लोडिंग पॉइंट पे लगा है, दोनों लोड करके अभी निकलेगा। एक पॉइंट हमारा गाड़ी लोड हो गया है, अभी काटा उटा करा के और दिए साइड में लगा, कभी जाली उली मार के तिरपाल मारना पड़ेगा कि बारिश का टाइम है, तो पहले कांटा कराने नहीं दिया, पहले जाली मरवा और तिरपाल हमको ढकवा दिया, अभी रस्सी फंसाए नहीं है उसमें ढकवा दिए हैं। और उसके बाद हम अभी पेपर जाके जमा करते तो हमारा पेपर भी बन जाएगा, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे और कर लेंगे ये तिरपाल मतलब रस्सा फंसा लेंगे, और वो हमारा करना भी बाकी है। तो हम लगभग आज 7 दिन मैं शुक्रवार को खाली किया था, बृहस्पति को पहला पॉइंट लोड किया है, तो हमारा 7 दिन में पहला पॉइंट लोड हुआ है। तो गुजरात में अभी जो जो सात कितना दिन से आप लोग मतलब खड़े हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने दिन से आप लोग खड़े हैं। हम तो 7 दिन पर आज लोड किए हैं, तो अभी पेपर जमा करके जा रहे हैं। फाइनली हमने तिरपाल बांध के रेडी हो चुका हूँ और हमारा पेपर भी मिलके कंप्लीट हो गया। हमारा पेपर भी मिल गया तो हम गेट पे दिए हैं जमा कर, वहाँ तब तो चेकिंग होता है, तब तो पैर हम तो गया चंदन धोने के लिए, हम तो धो लिए हैं। देखिए हमारा तिरपाल बांध के पूरा रेडी हो गया, एक पॉइंट हमारा लोड हो गया, तो अभी जाते हैं वापस हम असलाली, वहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट जो है हमारा वहीं से होगा। अभी यहाँ से निकलते हैं, टायर भी चेक कर ले रहे हैं, कहें कि हमारा बहुत दिन तक गाड़ी खराब भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। हमारा टायर उधर भी देखें, हमारा टायर ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ गेट पर से हम निकल चुके हैं, यहाँ से गेट से बाहर निकल गए हैं और हम पकड़ लिए हैं गाड़ी वाला रोड। इसका मतलब कि हमको असलाली जाते जाते 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, बहुत ही भयानक वाला जाम अभी स्टार्ट हो चुका है, आगे भी मिलना बाकी है। क्या भी होता है ऐसे, देखिए उस गाड़ी में कितना बढ़िया डाला में सोया हुआ है ऐसे, एकदम बिंदास बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया के बेफिकर, दुनिया में ये सब भी झेलना पड़ता है। रात का 9 बज गया और फाइनली हम पहुंच गए ट्रांसपोर्ट पे, तो हमारा जो माल है वो यहीं से लोड होगा, यहीं से आधा किलोमीटर नहीं बगल से है, 100-200 मीटर के बगल से है हमारा गाड़ी, यहीं से लोडिंग होगा पूरा फुल। तो हमारा जो लोडिंग होगा वो तो कल होगा, तो अभी हम ट्रांसपोर्ट पर आए हैं
यहीं पे हमारा खाना पीना भी पहले से रेडी है। कई भैया की गाड़ी में जो साथ में था वो लोग साथ में खाना बना रहे थे, वो लोग खाना बना के रेडी रख दिया। अभी पहुंचे, अभी हम सिर्फ खाना पीना खाएंगे, अभी ट्रांसपोर्ट पे पहुंच गए, अभी रात को यहीं पे रुकेंगे क्योंकि सामने अभी है तो अभी रोड पे हैं, गाड़ी हम लगा दिए हैं साइड पे, हम अंदर गाड़ी नहीं घुसाए हैं, अभी रोड के किनारे हैं, हम गाड़ी साइड में लगा दिए हैं, तभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, तो खाना खा लेते हैं। ये देखिए खाना जो हमारा लगने वाला है, देखिए अजय भाई हमारा खाना निकाल रहा है, तो तड़का और रोटी आज बना हुआ है, देखिए कितना बढ़िया लगता है, देखते हैं अभी हम चेक करते हैं इसको। देखिए हमारा थाली में आ गया है रोटी और तड़का, तो अभी खा के देखते हैं कैसा है सब। बहुत ही मस्त बना है तड़का रोटी, बहुत भयानक, बहुत शानदार लगा। रात का 11 बज गया और हमारा खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो देखिए हमारा बेड भी लग गया सोने के लिए, तो कल देखते हैं, कल अगर हमारा प्रॉब्लम आज परचून अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया, क्या अभी पोजिशन परचून का भी ख़राब है, उसके लिए भी गाड़ी मायर कर रहा है, तो भगवान करे कि हमारा गाड़ी मार ना करे, क्या हम तो इसी भी 7 दिन मार के ऐसे हम उठ नहीं पा रहे, क्या हमको इतना ख़राब लग रहा था, आज हुआ है थोड़ा एक माल तो हमको अच्छा लग रहा है, एक माल हमारा हो चुका है, कल भी हमारा हो जाए हम लोड करके हम निकल जाए, बेतरनी मेरा पार हो जाए, तो अभी हम सोने जा रहे हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है, कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ऐसी भी हमारा कल अगर लोडिंग हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।